जौहर का नाम सुनते ही हमें चित्तौड़ की रानी पद्मावती याद आती हैं। जिनको इतिहास के बारे में नहीं पता है उनको सिर्फ लगता है जौहर सिर्फ पद्मावती ने किया था, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। और चित्तौड़ में सिर्फ एक बार नहीं तीन बार जौहर हुआ है, जो कि अलग अलग रानियों ने किया है। चित्तौड़ का सबसे पहला जौहर 1303 अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय हुआ था, जो रानी पद्मावती ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने यह आक्रमण चित्तौड़ की रानी पद्मावती की खूबसूरती की चर्चा से मोहित होकर पाने के लिए किया था, लेकिन उन्हें पाना तो दूर रानी पद्मावती की परछाई भी नहीं छू सका था। रानी पद्मावती ने 16,000 राजपूत वीरांगनाओं के साथ जौहर कर अलाउद्दीन खिलजी के नापाक इरादों पर पानी फेर दिया। चित्तौड़गढ़ का दूसरा जौहर 1535 में गुजरात के बादशाह बहादुर शाह के आक्रमण के समय राजमाता कर्णवती ने किया था। राजमाता कर्णवती चित्तौड़ के सूरवीर राजा महाराणा सांगा की पत्नी थी। राणा सांगा की वीरगति के बाद चित्तौड़गढ़ का राजकाल रानी कर्णवती ने संभाला। बहादुर शाह के आक्रमण के समय मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर उनकी सहायता मांगी, पर वो नहीं आया। आखिर में हार देखते समय रानी कर्णवती ने 13,000 राजपूत वीरांगनाओं के साथ धधकती जौहर की ज्वाला में कूदकर भारत की माताओं और बहनों का नाम सदा के लिए अमर कर गई। चित्तौड़गढ़ का तीसरा जौहर 1567 में मुगल बादशाह अकबर के समय हुआ था। उस समय चित्तौड़गढ़ की रानियां उदयपुर में थी, इसीलिए मुगलों से मान मर्यादा की रक्षा के लिए में मौजूद सामंतों की पत्नियां और 900 राजपूत स्त्री जौहर ज्वाला में प्रवेश किया था। लेकिन मुगलों ने जीतने के बाद जो राजपूत महिलाओं ने जौहर नहीं किया था उनकी इज्जत पर हाथ डाला। अकबर ने वहां रह रहे 30,000 निर्दोष हिंदुओं की हत्या करवाई, यहां तक कि छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा। लेकिन इतने घटिया काम करने के बावजूद भी आज दुनिया उसे महान कहती है। हमारे राजपूत जिन्होंने देश के लिए इतना कुछ किया और इतना बलिदान किया, लोग उन्हें कायर समझते उनमें कमियां ढूंढते हैं। जोधा बाई जो कहीं एग्जिट भी नहीं करती उनको लोग याद रखते हैं, इन वीरांगनाओं को कोई याद नहीं रखता। इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है, बस इतिहास में हुई घटनाओं के बारे में बताना था। ये है चित्तौड़गढ़ के तीन जौहर। अगर आपको इसके बारे में पता था तो कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और आपको कुछ सजेस्ट करना हो तो कमेंट करें। मिलते हैं।